आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर, सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में कल रात पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई जबकि दिगर 3 जख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तला के मुताबिक कल रात टोली चौकी ब्रिज पर कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चलाने वाले शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जिनकी शनाख्त मजहर के तौर पर की गई है जबकि गाड़ी में सवार 3 दिगर अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है। महलूक और कार में सवार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया है। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन ब्रिज पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। अभी मजीद तफसीलात का आना बाकी है। सेलफोन के जरिए दूसरी बिल्डिंग पर मौजूद लड़कियों की वीडियोग्राफी की कोशिश में एक नौजवान की इमारत से गिरकर हलाक होने का वाकया हैदराबाद में कल पेश आया। 24 साल दिलीप का ताल्लुक हिमायत नगर से था। उसने अपने दोस्त साई तेजा के साथ उसके मकान वाक़े चिलकलगुड़ा में शराब नोशी की और रात 11 बजे सिगरेट नोशी के लिए कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि करीब की बिल्डिंग में एक लड़की पढ़ रही है और दूसरी सोई हुई हैं। उसने सेलफोन के जरिए उनकी वीडियोग्राफी की। इस दौरान लड़की ने उसे देख लिया और अपने दोस्तों को इत्तला दी। वो सीधे दिलीप के पास पहुंचे। दिलीप ने उन्हें देख लिया और बचने की खातिर उस इमारत से दूसरी इमारत पर जाने की कोशिश में तवाज़ुन खोकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। नखबी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली नामपल्ली और इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद जनाब जाफर हुसैन मेराज, तंजीम AIMIM इंचार्ज सैयद हक नज़ीर, साबिक कॉर्पोरेटर शकील महमूद की निगरानी में आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिल आखिर बड़े इंतजार के बाद टाउन बॉडी की तश्कील अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद बहैसियत टाउन सदर शेख नज़ीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक को मुंतखब किया गया जबकि इन जॉइंट सेक्रेटरी शकील अहमद शाहद खान, इरफान खान, मोहम्मद रोहित खाजिन एंड अशोक की मौजूदगी में इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर MLA जाफर हुसैन मिराज ने मीडिया से बात करते हुए टाउन बॉडी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। स्मार्टफोन के जरिए सोशल मीडिया के लिए टिकटॉक वीडियोस और रील्स बनाते हुए रातों रात नाम कमाने के चक्कर में बास नौजवान अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया रियासत तेलंगाना के हनमकुंडा जिले में पेश आया। वडिनापल्ली का रहने वाला नौजवान आज इंस्टा रील बनाने के लिए 3 दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। वो ट्रैफिक के बाजू वीडियो बना रहा था कि उसे ट्रेन ने टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से नौजवान की जान बच गई, ताहम वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के मानसून सेशन का 6 सितंबर को आगाज होगा और इस सिलसिले में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतजाम का जायजा लिया। सदरनशीन कानून साज काउंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी के हमराह स्पीकर असेंबली ने टेली कॉन्फ्रेंस पर अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस CV आनंद और दीगर अहदेदारों ने टेली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। स्पीकर और सदरनशीन काउंसिल ने लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जेर इल्तवा सवाल के जवाब जल्द अज जल्द रवाना करें। असेंबली इजलास का एजेंडा और दिगर उमूर तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू जबान में तैयार करने की हिदायत दी गई। इजलास के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अयाम कार का तायुन करेगी। ताहम तवक्को की जा रही है कि मानसून सेशन एक हफ्ते तक जारी रहेगा। इसी दौरान श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना असेंबली इजलास मुल्क भर के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि दिगर रियासतों की असेंबलियों की कारकर्दगी के मुकाबले में तेलंगाना की कारकर्दगी बेहतर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि असेंबली में अवामी मसाइल पर मुबाहस के लिए मौका फराहम किया जाएगा। फिरखावराना तासुब के तहत मुसलमानों को नशाना बनाने का सिलसिला जनूबी हिंद में मुसलसल जारी है लेकिन इस किस्म के वाकयात तेलंगाना में भी वक्फे वक्फे से रोनुमा हो रहे हैं। एक ताज़ा तरीन वाक़े में शहर के मुजाफाती इलाके नारसंगी यानी गंडी पेट में एक वाक़ा पेश आया जिसमें एक मुस्लिम कैब ड्राइवर पर अशरार ने उस वक्त हमला कर दिया जब ड्राइवर ने जय श्री राम के नारे लगाने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रान गुप्टा के साकिन सैयद लतीफुद्दीन, जो उबेर टैक्सी ड्राइवर है और कल रात देर गए उन्हें एक बुकिंग हासिल हुई थी जिसमें अलकापुरी तलब किया गया था। जैसे ही लतीफुद्दीन शेखपेट से अलकापुरी के लिए जा रहे थे कि अलाखा नारसंगी में पहुंचे, उन्हें एक अशरार के ग्रुप ने बुलेट और दिगर मोटरसाइकिलों पर ताकुब करते हुए उन्हें रोका और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा। लतीफुद्दीन के इस इनकार पर अशरार के ग्रुप ने उनकी गाड़ी पर अचानक हमला कर दिया और वजनी पत्थरों से हमला कर दिया। कैब ड्राइवर वहां से अपनी जान बचाकर दूसरे मुकाम को पहुंच गए।
कैब ड्राइवर ने बाद अजा मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुबान अब्दुल्ला खान खालिद से रब्त किया और उनकी मदद से पुलिस नारसंगी से एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने पर पुलिस फौरी हरकत में आ गई और मौके वारदात पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया और इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल करते हुए उनका तजिया शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर नारसंगी पुलिस स्टेशन वी शिव कुमार ने कहा कि इस सिलसिले में नामालूम अशरार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। गवर्नर डॉक्टर टी सविंदर राजन ने निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर इब्राहिम पट्टनम वाक़े के मुतासरा खातून मरीजों से मुलाकात की। गवर्नर ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया और कहा कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की नाकामी के सबब चार खवातीन की मौत कोई मामूली बात नहीं है। इस मामले में डॉक्टर्स की लापरवाही का पता चलाने के लिए तहकीकात का हुक्म दिया गया है। गवर्नर ने इस वाक़े में मुतासर खवातीन को फल तकसीम किया और उनकी आजलाना सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर ने डॉक्टर से खवातीन की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि बहसियत डॉक्टर मुझे खवातीन की अबतर सूरत हाल पर अफसोस है। निम्स में ज़ेर इलाज 11 खवातीन से मुलाकात करते हुए गवर्नर ने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की तफसीलात हासिल की। उन्होंने ऑपरेशन के तरीक़ेकार और निम्स में इलाज की सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। गवर्नर के मुताबिक हर खातून सदमे में है और उन तमाम का ताल्लुक मुआशी तौर पर पसमानदा खानदानों से है। गवर्नर ने अपने इख्तियारी फंड के जरिए हर खातून के लिए फीकस 10,000 रुपये की मंजूरी दी है ताकि वो अपनी बेहतर निगहदाश्त कर सके। गवर्नर ने राजभवन की जानिब से हर मुमकिन तआवुन का यकीन दिलाया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीस उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9995902378। 9995902378। 9581528002। 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.